सो हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मेरा नाम है शाहनवाज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हजियान इंटरनेशनल। गाइस, बुल्गेरिया के लिए वर्क परमिट वीजे का काम है, मल्टीपल पोजीशंस है उसमें, हेल्पर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, लेथ मशीन ऑपरेटर, कुक, शेफ, क्लीनर, सारी पोजीशंस है उसमें, और भी पोजीशंस है। पोजीशन जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, सारी डिटेल सब कुछ आपको वीडियो के एंड तक मिल जाएगी। चैनल पे नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो अभी आगे जो है कि आपको मेरी आईडी मिल जाएगी, जाकर के मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइज, ये जो रिक्वायरमेंट है इसमें जो है कि मल्टीपल पोजीशंस हैं, ढेर सारी पोजीशन है। मैं आपको सबसे पहले जो है कि हेल्पर से बताता हूँ। हेल्पर की पोजीशन है जनरल हेल्पर, आपको जो है कि कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, जो भी काम कंपनी के पास रहेगा, चाहे वो वेयरहाउस का काम रहे, चाहे वो जो है कि फैक्ट्री का काम रहे, चाहे वो जो है कि दूसरे किसी कंस्ट्रक्शन का काम रहे, या इस तरीके से जो भी हेल्पर के काम होते हैं उस तरीके का काम जो है कि आपको दिया जाएगा। अगर हम सैलरी की बात करें तो 700 यूरो से लेकर के 800-900 यूरो तक आपकी सैलरी होती है। वो आपका जब भी कॉन्ट्रैक्ट लेटर आएगा या आपका जब सिलेक्शन होगा तब आपको जो है कि बता दिया जाएगा क्या सैलरी, लेकिन सैलरी का रेशियो यही रहेगा। ये हो गई हेल्पर। हेल्पर हमें चाहिए लगभग 200 हेल्पर, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी पोजीशन है वो है लेथ मशीन ऑपरेटर या सीएनसी मिलिंग ऑपरेटर। ये दो चीजें हैं, ठीक है, लेथ मशीन ऑपरेटर, सीएनसी मिलिंग ऑपरेटर। इसमें टूल्स मेकिंग के जो बंदे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी और भी सेटर वगैरह का जो काम करते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो इसकी जो सैलरी है 900 से लेकर के 1200 यूरो है, ठीक है। और तीसरी जो पोजीशन है वो है कैम्बॉस की, ठीक है। कैम्बॉस का उसको जो है कि पिछला एक्सपीरियंस है, गल्फ रिटर्न है, ज्यादातर आपको पता है कैम्बॉस की जो जॉब होती है, ओपनिंग होती है, वो बाहर से ही बंदा जो कैम्बॉस का काम किया हुआ होता है वही प्रिफर होता है, ठीक है। या फिर कैम्बॉस का जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर आपको पता है तो आप उसमें जो है कि अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो 800 से लेकर के 1000 यूरो है, ठीक है। उसके बाद कुक, मेल फीमेल दोनों, ठीक है, असिस्टेंट कुक और कुक, ये दो पोजीशन है। इसमें जो सैलरी है 500 यूरो से लेकर के 700 यूरो तक की सैलरी है, ठीक है। क्वांटिटी सब में 25-50 है, ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हो, इनफ है। इन सब का जो है कि आपको पहले इंटरव्यू करना है, और जो भी टेक्निकल बैकग्राउंड से आप हो तो इसका वीडियो बना लो। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मेसन, शटरिंग, एसी टेक्नीशियन, वेल्डर, और जो है कि इसमें, और वेल्डर वो जो स्टेनलेस स्टील के ऊपर वेल्डिंग करता हो, बाकी और भी वेल्डर्स के भी काम है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मेसन, शटरिंग, आरसीसी, ये जितनी भी कैटेगरी है के टेक्निकल से जो स्किल्ड वर्कर्स है, ठीक है, इन सब की सैलरी 700 से लेकर के 1000 यूरो तक, ये सारी पोजीशन ओपन है, ठीक है। जैसा जैसा हमारे पास काम आता रहेगा उस तरीके से हम आपको जो है कि प्लेस करवाते रहेंगे। इन सब में जो है कि वीडियो कॉल इंटरव्यू होगा आपका, ठीक है। प्रोसेस टाइम की बात करें तो 3 महीने का टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। और आप पेपर्स जो है कि आप हमें दे दीजिए, हम आपका सिलेक्शन कराएंगे। सिलेक्शन कराने के बाद जो है आपको पीसीसी वगैरह आपको करवानी है, ठीक है। पीसीसी करा करके आप जो है कि पासपोर्ट ऑफिस में जमा करवा दीजिए, बाकी का प्रोसेस हम करा देंगे। 3 महीना आपको लगे इसमें, ईसीआर, ईसीएनआर कोई भी एलिजिबल है। बेसिक इंग्लिश आपको जो है आनी चाहिए, ठीक है। और जो है कि इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन अगर आप हैं, वेल्डर हैं, एसी टेक्नीशियन है, प्लम्बर है, मेसन है, शटरिंग कारपेंटर है, ये सारे जो है कि ओपनिंग्स है, मतलब जो भी कैटेगरी का काम, स्किल्ड का जितना भी काम है। और एज लिमिट की हम बात करें तो 45 साल तक एज लिमिट इसमें जो है कि है, आप अप्लाई कर सकते हो, और रिटर्न हो तो भी ठीक है, इंडियन एक्सपीरियंस है तो भी ठीक है, दोनों लोग इसमें जो है कि एलिजिबल है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको इस काम में सिर्फ जीसीसी एक्सपीरियंस का ही अगर एक्सपीरियंस वाला बंदा है उसको जॉब मिलेगी। इंडियन एक्सपीरियंस बनता है, काम अच्छा आता है, ठीक है, तो वो जो है कि इसमें एलिजिबल अप्लाई कर सकते हो। मेसन, ऐसे मेसन चाहिए जिनको डिजाइनिंग वगैरह आती हो, ठीक है। मेसन हो गया, पीओपी जिप्सम वाला बंदा हो गया, जिसको कि यू नो लीफ वगैरह बनाना आता हो, बॉर्डर बनाने के लिए आता हो, इस तरीके का बंदा चाहिए, ठीक है। पीओपी जिप्सम, जिप्सम कारपेंटर जिसको कहते हैं, और पीओपी वाला जो बंदा है वो,
ठीक है, अगर आपको ये काम आता है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी और भी जो भी पोजीशन आपको लगता है कि भाई मुझे अप्लाई करना है, तो आप एक बार कॉल करके बात कर सकते हैं। जैसे जैसे इन फ्यूचर हमारे पास रिक्वायरमेंट आती रहेगी, आपको कॉन्टैक्ट करके जो है कि आपका अप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, इन सब में फूड अकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन फ्री है, ठीक है, 5 डेज वर्किंग है, ओवर टाइम है, जो भी सैलरी आपको जो है कि बोली जा रही है इंटरव्यू, जो भी आपको बताया जाएगा, जो भी सैलरी है उसमें जो है कि ओवर टाइम के साथ में ठीक उसका डेढ़ गुना सैलरी आपको मिलेगी। लेकिन सपोज आपकी सैलरी 700 है तो आप 1100-1200 यूरो तक कमा सकते हो, ठीक है। और एक यूरोप जाने का लोगों का जो ड्रीम है, आपको पता है कि बुल्गारिया बहुत जल्द जो है कि शेंगेन का पार्ट होने वाला है, अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, बट मोस्ट प्रोबेबली आने वाले 5-6 महीने में ये जो है कि शेंगेन का भी पार्ट होगा, ठीक है। तो आप लोग जो है कि जो यूरोप जाना चाहता है, शेंगेन जाना चाहता है, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, खासतौर से उनके लिए जो फ्रेशर्स है, ठीक है, और जो होटल मैनेजमेंट के बंदे हैं आने वाले टाइम उनका भी रिक्वायरमेंट हमारे पास आ रहा है, जो फ्रेशर है, लाइक जो होटल मैनेजमेंट पास आउट हुए हैं, वेटर हैं, बेल बॉय हैं, और जो है कि रूम बॉय है, इस तरीके की जो भी वेट्रेस है, फीमेल का भी हमारे पास बहुत अच्छा काम आ रहा है यूरोप के लिए। अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं, दिस इज द राइट प्लेस अजान इंटरनेशनल, जहां पे आप अपना अप्लाई करके जो है कि आप वीजा ले सकते हो। और दूसरी चीज याद रहे कि आपको जो भी जिस भी डिजायर पोजीशन में आप अप्लाई कर रहे हो, आपको काम आना चाहिए। अगर आपको काम नहीं आता है तो आपको पता है वहां पे बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, आपको कंपनी वापस भी भेज देगी। तो याद रहे, आप जिस पोजीशन में अप्लाई कर रहे हो उस पोजीशन में जो है कि आपको जो है कि काम आना चाहिए, ये नहीं कि कोई भी डुप्लीकेट वीडियो आपने बना करके दे दिया और फिर जो है कि बाद में प्रॉब्लम हो गई, तो वो चीज नहीं चलेगा। आपको काम आता है तभी अप्लाई करें, नहीं तो आप हेल्पर में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वहां जाने के बाद आपका टेस्ट होगा, अगर टेस्ट में आप फेल हो गए तो आपको कंपनी वापस भी भेज सकती है, उसका हमारा कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, हम यहाँ से एग्रीमेंट करके भेजेंगे, ठीक है गाइस। और जो सैलरी बोली गई है वहां पे टेस्ट होगा, बिकॉज सी बंदे जाते हैं वहां पे, कंपनी टेस्ट मारती है, मतलब टेस्ट इन द सेंस की साइड पे ले जाकर कोई पैनल दे दिया, कुछ दे दिया, कोई चीज दे दिया, और आप जो है कि उसमें काम नहीं कर पा रहे, तो कंपनी वो नहीं लेती है बंदे को, भाई हमारे काम का बंदा नहीं है, इसने बोला मुझे 100% आता है, उसको काम नहीं आता। तो याद रखिएगा ये बात, अगर आपको काम आता है तो ही अप्लाई करिए, नहीं तो आप हेल्पर में सीधा अप्लाई कर लीजिए, सैलरी उसमें भी अच्छी है, जाकर 2-4-6 महीने आप वहां पे काम करो, बाद में जो है कि आप एज अ ट्रेड मतलब किसी भी टेक्नीशियन में आप जो है कि फिर काम कर सकते हो, ठीक है। प्रोसेस टाइम आपको बता दिया 3 मंथ्स है, ठीक है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, वीडियो के एंड में नंबर दिया गया है, कॉल करिए, कॉल करके जो है कि आप बात कर सकती है, करिए, मुतमईन हो जाइए, फिर पेपर भेजिए, इंटरव्यू कराइए, सिलेक्शन कराने के बाद आपका जो है कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट लेटर, फिर वर्क परमिट वगैरह जो है कि आपका करके दे दिया जाएगा, ठीक है। बहुत ही लिमिटेड सीट्स है, लाइक बहुत जल्दी फुलफिल होता है, और इसके जो सर्विस चार्जेस भी थोड़े से ठीक ठाक हैं, ठीक है। और आने वाले टाइम में ये जो कि शेंगेन का भी पार्ट होने वाला, अभी तो सिर्फ यूरोप का ही है, तो यूरोप में जो है कि इसके बॉर्डर्स बहुत सारे कंट्रीज के साथ लगे हुए हैं यूरोपियन यूनियन के, तो थोड़ा सा एक बार आप गूगल कर लीजिएगा, और यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई, वो भी देख लीजिएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, मिलते एक नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, नई रिक्वायरमेंट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।